मंत्री स्मृति ईरानी लुधियाना के हलका केंद्री तो भाजपा के उम्मीदवार गुरदेव शर्मा देवी के हक के चोण प्रचार कर पहुंचे जिथे उन्होंने पंजाब की मौजूदा सरकार के प्रधान राहुल गांधी से निशाना साधिया उन्होंने कोविड 19 दौरान भेजे गए राशन संबंधी किए गए टीकाकरण का भी जिक्र किया है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि भाजपा नवे पंजाब तहत पंजाब दे विच अपनी सरकार बनाएगी। उस व्यक्ति का दुस्साहस देखिए, किस तरह विपदा की घड़ी में जनता के काम नहीं आते। दूसरी ओर जब देश इकट्ठा होने की कोशिश करता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है, तो देश की फौज पर प्रश्न चिन्ह लगाकर देश की फौज से प्रमाण मांगते हैं। जिन्होंने गुण मच्छर तक नहीं मारा वो फौजी से पूछते हैं, बताओ पाकिस्तान में कैसे हमला करके आए। और इसीलिए आज आपसे कहने आई कि हमारा गौरव है कि विपदा की घड़ी में हर गरीब को 19 महीने मुफ्त का राशन अगर किसी ने दिलवाया तो मोदी जी ने दिलवाया, भाजपा ने दिलवाया। विपदा की घड़ी में मुफ्त वैक्सीन की डोज अगर किसी ने दिलवाई तो भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई। विपदा की घड़ी में छोटे छोटे व्यापारी को 2500 करोड़ से ज्यादा लोन अगर सैंक्शन किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। अरे आज तो ये भी कह सकती हूँ कि जो रेड़ी लगाते हैं पंजाब में, से 40,000 सड़क पर रेडियो लगाने वालों को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वनिधि योजना के माध्यम से पैसे दिलवाए।